अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स आज हम इमली मटन की रेसिपी लाए हैं। इमली वाला जो मटन है आज हम वो बनाएंगे। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमने ये अज्जा लिए हैं उनमें इमली का हमने जो है ना पेस्ट बना लिया है। गाढ़े 3 चम्मच खाने के इसका पेस्ट बन जाए। तो व्यूअर्स बाकी जो मसाले जाते हैं वो हम इस गोश्त में डालेंगे। सबसे पहले ये तमाम जो मसाले सब मिर्च के साथ कुटी हुई ये डालेंगे। ये नमक हसबे जायका, ये हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर इमली का पेस्ट 3 खाने के चम्मच ये गाढ़ा हो। यहाँ पर 4 से 5 अदद व्यूअर्स इसमें इलायची कूट के डालेंगे। फिर अभी इसको मिक्स करेंगे। फिर अभी हम इसको आधे घंटा एक रख देंगे। फिर यहाँ हमने घी लिया है। फिर अभी हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे और साथ ही लहसुन और अदरक भी डालेंगे। ये लहसुन डालेंगे। अदरक का पेस्ट ये प्याज अदरक और लहसुन को अच्छी तरह भून लेंगे। ऐसे ही हमारे भून जाएंगे तो फिर हम इसमें मैरिनेट किया हुआ अपना मटन डालेंगे। फिर अभी हम इनको भून रहे हैं। ये रात जो है शाम हो गई है तो मैं तो रेसिपी बनाने में देर हो गई। व्यूअर्स गोश्त को हमारे मसालों और इमली में रखे हुए आधा घंटा हो गया। तो अभी हम ये यहाँ पर डालेंगे। फिर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। फिर 1 से 1.5 मिनट हम इसको ढक्कन दे देते हैं। Thank you.
ये बस इसी तरह 4 से 5 मिनट भूनते रहेंगे। मटन हमारा अच्छी तरह भूनेंगे। गोश्त को जितना मसालों में भूनेंगे उतना ये तो अच्छा बनेगा। आज ये इमली वाला जो मटन है वो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। ये मसाला ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी है मटन इमली। इसमें इमली का बड़ा अच्छा जायका आएगा। इसमें जो हमारा गोश्त है उसमें खट्टापन एक अलग किस्म का, जैसे टमाटर है दही है, लेकिन इमली की अपनी बात है। इमली का जो खट्टापन है वो उनसे मुख्तलिफ है और मज़ेदार भी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। अभी हम इसमें 2 अदद बड़ी इलायची, 7 धनिया और काली मिर्च वगैरह ये डालेंगे। यहाँ पर 7 लाल मिर्च, हरी मिर्च, अभी हम इसमें पानी डाल के गोश्त को गलने तक पकाएंगे। हमारा गोश्त गल जाए। ढक्कन इस पर रख देंगे। व्यूअर्स अभी हम चेक करेंगे हमारी रेसिपी तैयार है। माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन बनी है, तैयार हो गई है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इमली मटन हमारा तैयार हो चुका है। फिर इसको हम चेक कर देखेंगे कि रेसिपी हमारी कैसी बनी है।
माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी बनी है। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी थी हमारी इमली मटन। तो व्यूअर्स, आप भी ट्राई कीजिए, इमली मटन पकाइए और मैं बताइए कि आप कैसे पकाई, हमारी रेसिपी कैसे लगी आपको। तो इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।